नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC वितु HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा प्री एमपीएड एवं प्री बीपीएड 2020 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हम इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के दौरान हमें प्री बीपीएड एवं प्री एमपीएड 2020 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री बीपीएड 2020 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार एक नया वेब पेज ओपन होगा। प्री बीपीएड 2020 नोटिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्री बीपीएड एवं प्री एमपीएड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन सूचना। प्री बीपीएड एवं प्री एमपीएड 2020 के तहत जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएड एवं एमपीएड पाठ्यक्रम सत्र 2020 से 2021 की प्रवेश हेतु काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालयों की चयन की प्राथमिकता प्रेषित की है, उनके दस्तावेज सत्यापन यथा मूल अंक तालिकाएं, मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल खेलकूद प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट फोटो, 5005 चालान की प्रतिलिपि, बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि दिनांक 4 जनवरी 2021 से 9 जनवरी 2021 तक, 4 जनवरी 2021 से 9 जनवरी 2021 तक खेल बोर्ड परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि साथ में अवश्य लाएं। प्री बीपीएड के प्रवेश पत्र 1 जनवरी 2021 से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। प्री एमपीएड के लिए पूर्व में जारी लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे, जिन्हें दस्तावेज सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के विस्तृत कार्यक्रम की सूचना एवं दिशा निर्देश प्री बीपीएड 2020.com एवं प्री एमपीएड 2020.com पर उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरह से हमने नोटिफिकेशन के संदर्भ में जानकारी ली। अब बात करेंगे हम इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन हेतु दिशा निर्देश। प्री बीपीएड एवं प्री एमपीएड 2020 के दस्तावेज सत्यापन हेतु 4 जनवरी 2021 से 9 जनवरी 2021 तक, यहाँ त्रुटिवश लिख दिया गया है, 4 जनवरी 2021 से 9 जनवरी 2021 तक उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लाना अनिवार्य है तथा निम्नलिखित दिशा निर्देशों के तहत दस्तावेज सत्यापन करवाएं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से जो दस्तावेज हैं आवश्यकता होगी उनके संदर्भ में जानकारी दी गई है। सबसे पहले हमें आवेदन पत्र की प्रतिलिपि साथ लानी होगी। प्रवेश पत्र दूसरे नंबर पर है। प्रवेश पत्र प्री बीपीएड के प्रवेश पत्र 1 जनवरी 2021 से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तथा प्री एमपीएड के लिए पूर्व में जारी लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। तो यहाँ विशेष उल्लेख किया गया है कि प्री बीपीएड के प्रवेश पत्र 1 जनवरी 2021 से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे और प्री एमपीएड के लिए जो प्रवेश पत्र हैं, जो पूर्व में जारी जो प्रवेश पत्र हैं लिखित परीक्षा के, वे ही मान्य यहाँ रहेंगे जिनको दस्तावेज सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है? आवेदन पत्र की प्रतिलिपि। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में प्रवेश पत्र। तीसरा पॉइंट है पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है और पासपोर्ट हो सकता है। अंक तालिकाओं, जिसमें सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, स्नातक,
बीपीएड एमपीएड के लिए, बीपीएड एमपीएड के लिए और की मूल प्रतियां यहाँ शामिल की गई है। जिन परीक्षाओं में क्रेडिट सीजीपीए प्रणाली लागू है, प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला संलग्न करें। मूल जाति प्रमाण पत्र, उच्चतम खेलकूद मूल प्रमाण पत्र, लिंक प्रमाण पत्र भी साथ में लावें। मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक वैधता अवधि के अनुसार। दो पासपोर्ट फोटो, 5,005 रुपये का चालान की प्रतिलिपि, बैंक खाते की पासबुक, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड होना आवश्यक है। समस्त उपरोक्त दस्तावेजों की एक एक फ़ोटो प्रतिलिपि, यहाँ पर एक एक जो फोटोकॉपी है वो भी हमें लेकर जानी होगी। COVID-19 की स्थितियों को देखते हुए परिसर में समस्त अभ्यर्थियों को फेस मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी आदि नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों के पालन की अवहेलना करता है तो उसे परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन की दिनांक एवं समय के अनुसार ही परिसर में उपस्थित होवे। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होगा उसे अनुपस्थित माना जाएगा तथा पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी 2021 को प्रवेश सूची जारी की जाएगी। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो प्रवेश सूची वो कब जारी की जाएगी, 15 जनवरी 2021। जो अभ्यर्थी COVID-19 के कारण होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती है, वे अपने अभिभावक जैसे माता पिता, भाई बहन, अन्य रिश्तेदार को दस्तावेज सत्यापन हेतु भेज सकते हैं तथा उनको अधिकृत करने हेतु स्व हस्ताक्षरित निवेदन पत्र के साथ अपने COVID-19 से पीड़ित होने का पत्र भी संलग्न करें। उनको वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक एवं समय के अनुसार उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार किया जाएगा जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तुरंत प्रभाव से परिसर से प्रस्थान कर जावे। खेल स्थान दिया गया है, खेल बोर्ड परिसर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जहां पर हमें उपस्थित होना होगा। तो इस तरह से हमने जाना कि हमें कौन कौन से जो दस्तावेज है वो हमें साथ लेकर जाने होंगे। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड विदाउट एडमिट कार्ड। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी को बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम वेबसाइट बिफोर योर डिपार्चर फ्रॉम होम। फॉलोइंग कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट एज पर डेट एंड टाइम शेड्यूल ऑफ रिपोर्टिंग टाइम टू रिपोर्ट एट स्पॉट बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। यहाँ डेट दी गई है 4 जनवरी 2021 से 9 जनवरी 2021। काउंसलिंग समय दिया गया है प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। यहाँ जो समय दिया गया इसका विशेष समय ध्यान रखना होगा, प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय यहाँ दिया गया है। डेट हम देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ दिया गया है। फॉर्म नंबर या विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म नंबर का हमें विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म नंबर यहाँ दिए गए हैं और इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। तो यहाँ समय का और अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग दिन उपस्थित होंगे और इनका जो समय है वो भी अलग अलग दिया गया है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। जैसे 4 जनवरी 2021 को प्रातः 8 बजे से निम्न रोल नंबर वाले अभ्यर्थी उपस्थित होंगे, फिर 8:15 से यहाँ रिपोर्टिंग जो समय दिया गया है उसके अनुसार हमें जैसे 8:30, 8:45, 9, फिर 10, 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 1:00, 1:15। तो यहाँ रोल नंबर और जो समय है वो जारी किया गया है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इसी तरह से 5 जनवरी 2021 का जो शेड्यूल है वो भी यहाँ जारी किया गया है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से 8 जनवरी का, 9 जनवरी का जो शेड्यूल है यहाँ जारी किया गया है। तो 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2021 तक
जो रोल नंबर और डे और समय जो है निर्धारित किया गया है, उस समय पर हमें यहाँ उपस्थित होना होगा। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के संदर्भ में। डाउनलोड एडमिट कार्ड पर हमें क्लिक करना होगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ हमारे पास में तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय फॉर्म नंबर, बाय जनरल डिटेल और बाय मोबाइल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय फॉर्म नंबर के संदर्भ में, तो एप्लीकेशन या चालान नंबर हम फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें बाय जनरल डिटेल है, तो यहाँ आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, DOB जिसमें ईयर है, इसके पश्चात मंथ है, इसके पश्चात डे है, तो भरने के पश्चात प्रोसीड पर क्लिक करके हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाय मोबाइल नंबर से हैं, तो आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर फिल करके प्रोसीड पर क्लिक करके हम अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्री BPED के संदर्भ में हमने यहाँ जानकारी ली। अब बात करेंगे हम प्री MPED के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। प्री MPED नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं MPED डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। समय दिया गया है, यहाँ पर डेट दी गई है 9 जनवरी 2021, और यहाँ समय दिया गया है प्रातः 8:45 से दोपहर 3 बजे तक का यहाँ समय दिया गया है। अलग अलग समय दिया गया है और यहाँ फॉर्म नंबर का विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से 9 जनवरी 2021 एक ही दिन है जो दस्तावेज सत्यापन होगा प्री MPED के संदर्भ में, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। इसके संदर्भ में हमने अभी पूर्व में चर्चा कर ली है और इस PDF फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहां पर हमें फॉर्म नंबर, बाय जनरल डिटेल और बाय मोबाइल नंबर की सहायता से हम अपना जो एडमिट कार्ड है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद अजय सम के साथ। जय हिंद, जय भारत।